Assalamu alaikum viewers, welcome to Base Academy video lectures. I am Farah here, and in this video we will be covering one of the easiest, simplest and most important topics of English grammar. और ये जो video है ये particularly बनाई गई है class 12th के लिए. Class 12th के standard को, paper pattern को, exam pattern को मद्देनजर रख के इस वीडियो को प्रिपेयर किया गया है. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या है. जैसे कि हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है इसको चार सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और चारों सेक्शंस की अलग अलग वेटेज दी गई है, जिसमें हमारा पहला सेक्शन आता है इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि बुक से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसने 40% मार्क्स हमारे कवर कर लिए हैं और इसकी वेटेज जो है 40% मार्क्स की है. इसमें प्रोज और पोइट्री दोनों कवर हो चुका है. और दूसरा सेक्शन जो हमारा रहता है वो है रीडिंग कम्प्रहेंशन का 15 मार्क्स के लिए, जो कि ऑलमोस्ट इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन से ही कवर हो चुका है और आगे भी हम इसको कवर करेंगे. सेक्शन सी हमारा राइटिंग स्किल्स का है, जो कि 20 मार्क्स रखता है और 20% वेटेज इसको दी गई है हमारे सिलेबस में. जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है ग्रामर, और वन ऑफ द बिगेस्ट चंक्स आफ्टर लिटरेचर यही एक सेक्शन है जिसमें ज़्यादा मार्क्स रखे गए हैं. 25% मार्क्स इसमें दिए गए हैं, 25% वेटेज मार्क्स की ग्रामर सेक्शन को दी गई है. और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर सेक्शन ही होगा. तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ग्रामर का क्या सिलेबस है. अगर देखा जाए बहुत ही कम सिलेबस दिया गया है इसमें, और अच्छे खासे मार्क्स भी हम यहाँ से गेन कर सकते हैं अगर सही से कर पाए तो. कुछ 8-9 टॉपिक्स ही इसमें दिए गए हैं जो कि हमें कवर करने हैं, जिसमें मॉडल्स दिया गया है, टेंसेज है, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन, रिलेटिव क्लाजेज, कंडीशनल क्लाजेज, सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज, वॉइस एंड नरेशन दी गई है. और अगर देखा जाए तो इसमें जो मेजर पोर्शंस है जो कि अच्छे खासे मार्क्स हमारे कवर कर रहे हैं वो है टेंसेस, आर्टिकल एंड नरेशन, और सेंटेंसेस भी सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. और इनमें से ईजीएस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक जो है वो है आर्टिकल्स. सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल बी कवरिंग आर्टिकल्स. हम आर्टिकल्स को इस वीडियो लेक्चर में इस तरह से कवर करेंगे सो दैट आप लोग कल को ईजिली वो जो 6 और 7 डैशेज आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं कवर करने के लिए, विद इन नो टाइम और फ्यू सेकेंड्स आप उनको ईजिली कवर कर सको और वो मार्क्स ईजिली गेन कर सको पेपर में. वेल, देखते हैं आर्टिकल्स होते क्या है. आर्टिकल्स होते क्या है. आर्टिकल्स बेसिकली डिटरमाइनर्स होते हैं. क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स. ये हमें सिग्नल देते हैं कि आके नाउन आने वाला है इसके बाद, राइट? हम क्लास 2nd, 3rd से ही पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में. सो आई थिंक सारे बच्चों को, जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि आर्टिकल्स जो है ये 3 है इन नंबर. आर्टिकल्स आर 3 इन नंबर. तो कौन कौन सा आर्टिकल होता है? ए होता है, एन होता है और दे होता है. और इनको जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक कैटेगरी रखी गई है इनडेफिनेट आर्टिकल्स के नाम से और एक कैटेगरी रखी गई है डेफिनेट आर्टिकल के नाम से. अगर देखा जाए तो ए और एन जो है वो आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, हम लोगों ने वो स्लाइड में मेंशन किया हुआ है. वैसे ही दे आता है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, राइट? आगे हम देखेंगे कि इन आर्टिकल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, इनका प्रॉपर यूजेज क्या है और कहाँ पे हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं, सो दैट हमारे ये 3 मार्क्स का जो मैटर है ये ईजिली कवर हो जाए. तो आप लोग याद रखोगे कि आर्टिकल्स 3 होते हैं. कौन कौन से? ए और एंड दे. और उसके बाद ये 2 तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. वेल, अब देखते हैं आर्टिकल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है. द यूज ऑफ आर्टिकल्स.
सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी होगी वो है कि आर्टिकल्स लिंक्ड होते हैं नंबर सिस्टम के साथ। नंबर सिस्टम हियर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है नाउन का, उसे हम नंबर सिस्टम यहाँ पे कहेंगे, राइट। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी प्लूरल नाउन के साथ ए और एन को यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ बुक। क्या कभी सुना है आप लोगों ने कि ऐसा कहा गया हो कि दिस इज अ बुक्स? नो, नेवर, कभी नहीं। दिस इज एन एप्पल, क्या कभी ऐसा सुना है किसी को कहते हुए दिस इज एन एप्पल? तो आप लोग याद रखोगे कि आर्टिकल्स जो है ये लिंक्ड होते हैं नंबर सिस्टम के साथ, नाउन का जो नंबर सिस्टम होता है उसके साथ ये लिंक्ड होते हैं। आप लोग स्लाइड से भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि आर्टिकल जो है, द यूज ऑफ आर्टिकल्स इज लिंक्ड टू द नंबर सिस्टम ऑफ नाउन, ए और एन इज नेवर यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन, राइट। आगे देखते हैं और क्या क्या यूजेज आर्टिकल्स का है। साथ ही आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि आर्टिकल्स और जेंडर सिस्टम की जब बात होती है तो आर्टिकल सेम ही रहता है सभी जेंडर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ही इज एन एक्टर, तो मैंने क्या आर्टिकल यूज़ किया यहाँ पे, एन आर्टिकल यूज़ किया। तो जैसे ही मैं जेंडर को चेंज करती हूँ, शी लगाती हूँ ही की जगह, शी इज़ एन एक्टर, बट मैंने यहाँ पे आर्टिकल को चेंज नहीं किया। इट मीन्स कि जेंडर के लिए हर जगह सेम ही आर्टिकल यूज़ किया जाता है, जेंडर्स के लिए आर्टिकल्स को चेंज नहीं किया जाता है, राइट। इन इंग्लिश द सेम आर्टिकल इज यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एक्टर, शी इज एन एक्ट्रेस, राइट। अब तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल्स और नंबर सिस्टम का क्या लिंक रहता है, क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है दोनों में। और वैसे ही जेंडर के साथ भी हम लोग देख चुके हैं कि जेंडर के लिए आर्टिकल सेम ही रहता है ऑल जेंडर्स के लिए। तो अब बात आती है पोजीशन ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल। अब तो आप लोगों को पता चल ही चुका है अब तक कि इंडेफिनेट आर्टिकल वाली कैटेगरी में ए और एन आते हैं। और ये जो ए और एन आर्टिकल है, चूंकि आर्टिकल्स है तो क्लास ऑफ डिटरमाइनर्स को ही बिलोंग करेंगे ये भी। सो एज अ डिटरमाइनर इनकी जो पोजीशन रहती है वो रहती है बिफोर द एडजेक्टिव। तो आप लोग याद रखोगे कि एज अ डिटरमाइनर इनडेफिनेट आर्टिकल्स की जो पोजीशन है वो रहती है बिफोर द एडजेक्टिव, राइट। इसके बाद जो मैं कहने वाली हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात है, जो हम क्लास में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लास में मैंने बहुत बारी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का टॉपिक छेड़ा है और इसको बहुत हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सो आप लोगों को एक कंसेप्ट तो ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे भी मेंशन कर लूँ। आर्टिकल्स को तो यूज़ किया जाता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, राइट। ये आप लोग याद रखोगे कि बिफोर काउंटेबल नाउन आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है बिफोर काउंटेबल नाउन। तो ये आप लोग याद रखोगे कि बिफोर काउंटेबल नाउन आर्टिकल यूज़ होता है, बट अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है, राइट। हम आर्टिकल्स को अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल नाउन की मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को दूंगी, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर, वीट, राइस, हियर, इस तरह के वर्ड्स के आगे हम लोग आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। ये जो पॉइंट है ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन है। बच्चे जो अक्सर गलतियाँ करते हैं, जैसे ही ज़ीरो आर्टिकल वाली बात आती है तो वो यही रहता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई ना कोई आर्टिकल लगा देता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पे ये चेक करोगे कहीं ये वर्ड, कहीं ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। अब तक जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि
इनडेफिनेट आर्टिकल्स की क्या पोजीशन रहती है, इनडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट वन मैंने आप लोगों को अभी अभी कवर किया है, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स वाला पॉइंट। अब हम आते हैं ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूजेज क्या रहता है। सबसे पहली बात जो है वो है कि ए और एन इनका यूजेज जो है वो डिपेंड रहता है कि जो वर्ड जिसके आगे इनको यूज़ करना है, प्लेस करना है, लगाना है, उनका साउंड कैसा है। तो एग्जैक्टली आर्टिकल्स का यूजेज जो है वो डिपेंड रहता है अपॉन द साउंड्स ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट इज़ प्लेस्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम क्लास फिफ्थ सिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि ए आर्टिकल जो है उसको यूज़ किया जाता है ऐसे वर्ड्स के आगे जो वर्ड्स बिगिन होते होंगे विद ए कॉन्सोनेंट लेटर। फॉर एग्जांपल अ टाइगर, अ टेबल, इस तरह के वर्ड्स, इनके आगे हम आर्टिकल ए को यूज़ करते हैं। तो यहीं पे आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे ही वर्ड्स बिगिन होते हैं वॉवल लेटर से, तो वहाँ पे हम एन आर्टिकल को यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे अगर कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो इजी हो जाता है याद रखना। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर। यहाँ पे आप याद रखोगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर में होगा, इससे पहले हमने पढ़ा है कि कभी भी हम प्लूलर यानी नंबर सिस्टम वाला पॉइंट जो मैंने बोला था, यानी प्लूलर नाउन्स के साथ हम लोग आर्टिकल ए और एन को यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखोगे बिफोर ए कॉमन नाउन, जैसे ही कॉमन नाउन आएगा सिंगुलर नंबर में होगा, उसके आगे हम आर्टिकल ए को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, बॉय जो है एक कॉमन नाउन है और इसके आगे जो हमने आर्टिकल यूज़ किया है दैट इज़ ए। और वैसे ही हियर इज़ ए काउ, काउ जो है कॉमन नाउन है और यहाँ पे हमने ए आर्टिकल यूज़ किया है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जहाँ से आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि उन्हें ये कंसेप्ट रहता है कि कॉमन नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है तो वो ए लगा के आते हैं, जबकि ये वाला एक्सेप्शन आप लोग याद रखेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड इवन बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर व्हेन इट इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस। कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है, हालांकि जबकि ये कॉमन नाउन भी होता है, उसके बावजूद अगर इसे जनरल सेंस में यूज़ किया गया है तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ज़ीरो आर्टिकल, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ कि ज़ीरो आर्टिकल होता क्या है, वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। तो आप लोग याद रखोगे जहाँ पे कॉमन नाउन होगा सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर नंबर में होगा, लेकिन इन जनरल सेंस यूज़ किया गया होगा, वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन इज़ मॉर्टल, मैन कॉमन नाउन है बट मॉर्टल यहाँ पे जनरल सेंस में इस मैन को यूज़ किया गया है या मॉर्टल को यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। थर्ड रूल जो इसका है, ऐसे वर्ड्स जो कि यू से बिगिन होते हैं लेकिन उनका जो साउंड है वो कॉन्सनेंट वाला यानी यू, वाई ओ ओ यू वाला या वाई ओ यू ऐसा साउंड आता है, हालांकि होते तो वॉवल से स्टार्ट है यू वॉवल से, बट इनका जो साउंड है वो यू यानी वाई ओ ओ आता है, इस वजह से ऐसे वर्ड्स के आगे भी ए लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल ए यूजफुल मेथड, यू एस ई एफ यू एल यूजफुल मेथड, बट इसके आगे ए लगाया जाता है बिकॉज यूजफुल जो है ये साउंड करता है यू वाई ओ यू यूजफुल। यूरोप या यूरोपियन, यूनिवर्सिटी। फोर्थ रूल जो इसका है, ऐसे वर्ड्स जो कि बिगिन होते होंगे ओ से बट उनका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट वाला साउंड व का आता होगा। फॉर एग्जांपल वन रुपी नोट, यहाँ पे यूज तो हो रहा है ओ एनी, वर्ड आ तो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है ओ एनी, बट जो साउंड है वो वक का आ रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे भी ए का आर्टिकल लगेगा। ए वन रुपी नोट, ए वन आइड मैन। इसी तरह से और एक है
जो कि एच ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट हो रहे होंगे एच से, और वहाँ पे एच उनका लेटर साइलेंट नहीं होगा, वहाँ पे ए यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए हीरो, ए हॉस्पिटल, ए हंड्रेड, इस तरह के वर्ड्स के आगे भी ए आर्टिकल ही लगाया जाता है। इसी तरह से ए को हम न्यूमेरिकल वन के सेंस में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एक कहना होगा, हम वन कहने के बजाय इंस्टेड ऑफ सेइंग वन हम क्या कह सकते हैं, ए। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ पेन, गिव मी वन पेन, या गिव मी अ पेन, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट यूजेज ऑफ ए। है तो बहुत ही ईजी, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट जो आप लोगों को याद रखना होगा, जो दो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, जिन पे आप स्ट्रेस देंगे, वो है एक तो यू वाला, जहाँ पे यू वॉवल से तो स्टार्ट होता है बट कॉन्सोनेंट साउंड यू आता है, और ओ वाला जो कि वॉक का साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड हमें देता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब हम आते हैं एन पे। आर्टिकल एन को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसके रूल्स क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, जब हम आर्टिकल एक का यूज़ करते थे, तो वहाँ पे मैंने बता दिया था कि वो वर्ड्स जिनका पहला लेटर या जो बिगिन हो रहे होंगे वॉवल से, वॉवल लेटर से या वॉवल साउंड से, तो वहाँ पे हम लोग एन को यूज़ करते हैं। सो द रूल इज, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवल साउंड एज, हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे कुछ। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, एन इंजन, एन इंक पॉट, एट्सेट्रा, राइट। तो दूसरा रूल जो इसका है, जहाँ पे एन यूज़ किया जाता है ऐसे वर्ड्स या शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स से पहले किया जाता है, जो कि बिगिन तो होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनमें वॉवल का साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल, एम ए। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे कैसे, एम तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कैसे एन यूज होगा। बट एम का जो साउंड है वो है ई एम एम, तो ई आता है ना पहले, जब हम इसका साउंड देखेंगे तो एम, तो इसीलिए यहाँ पे एन यूज किया जाता है। तो क्या रूल है ये, बिफोर अ लेटर यूज एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट हैविंग वॉवल साउंड एज एन एम ए, एन एम एल ए, एन एम बी बी एस। लेकिन इस रूल में एक्सेप्शन है। अगर हम एम ए का फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या बनता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसी तरह से अगर हमें मास्टर इन साइंस लिया लेना होगा, तो वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम एन यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से बैचलर ऑफ आर्ट्स, राइट। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि इसके एक्सेप्शंस है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, अ बैचलर ऑफ आर्ट्स, अ मास्टर इन साइंस, इस तरह के एग्जांपल्स आप लोग ध्यान में रखोगे वाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर, राइट। इसका और एक रूल है जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसका पोज हम पढ़ चुके हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका पहला लेटर एच होता है लेकिन वो एच साइलेंट होता है, और सेकेंड सिलेबल से हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर, ऑनेस्ट। तो इस तरह के वर्ड्स पे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एन को यूज़ किया जाता है। तो क्या रूल बनता है, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ साइलेंट एच एज एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एट्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स के आगे जहाँ पे एच होता तो है, जो कि कॉन्सोनेंट है, बट इनको हम प्रोनाउंस करते हैं सेकेंड सिलेबल वॉवल से, इसीलिए यहाँ पे एन आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट रूल जो इसका है, ये यहाँ तक जो मैंने बोला ये हम सब पढ़ चुके होते हैं, और अगर ना भी पढ़े हुए हों तो अब तक मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। लेकिन ये जो आगे के दो रूल्स मैं बताने जा रही हूँ, इनको बहुत ही कम पढ़ा जाता है, और
आपका जो क्वेश्चन है अक्सर इस वाले पॉइंट से पूछा जाता है जो मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ, ये है कि ऐसे वर्ड्स जो कि बिगिन होते हैं एच से लेकिन विद एक्सेंट ऑन द सेकेंड सिलेबल, जब हम इनको एक्सेंट में पढ़ते हैं या बोलते हैं तो सिट्रस जो रहता है वो सेकेंड सिलेबल पे रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे हिस्टोरिकल, तो लिखने में तो आएगा HISTORICAL, लेकिन जब इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है तो सिट्रस जो है वो आई पे आ जाता है, हिस्टोरिकल, राइट? एन हिस्टोरिकल नॉवेल, एन होटल, वैसे तो होटल HOTEL, लेकिन जब इनका एक्सेंट देखा जाए तो सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाता है, जैसे कि होटल के केस में होटल। तो इसी तरह से जो भी वर्ड आपको बिगिन दिखे होता है एच से, एच, लेकिन उसका जो एक्सेंट है विद एक्सेंट ऑन द सेकेंड सिलेबल, सेकेंड सिलेबल जो होगा उस पे स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पे भी आप लोग क्या यूज़ करेंगे, एन को यूज़ करेंगे, राइट? अब जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसको शायद ही कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए, तो ये है कि टर्न, आफ्टर टर्न द नाउन इज नॉट प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल, टर्न के बाद जो नाउन यूज होता है वहाँ पे हम उस नाउन से पहले आर्टिकल को यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही टर्न कवर्ड, ही टर्न अ कवर्ड, द कवर्ड, एन कवर्ड, इस तरह का कुछ भी हम लोगों ने यूज नहीं किया यहाँ पे। तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे जो है क्या यूज करेंगे आप, टर्न के बाद नाउन को प्रोसीड नहीं किया जाता है आर्टिकल से, राइट? तो इस तरह से हमारा एन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक जो हमने कवर किया वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स एन एन, बोथ हमने कवर किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आप इजीली अब इनमें से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। करोगे, आपके लिए ये एक्सरसाइज मैंने रखी हुई है, आप इसको खुद से करेंगे और बाद में चेक करेंगे कि अब तक जो आपने पढ़ा आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो चुके हैं। ओके, तो अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास कौन सा आर्टिकल आता है, द, तो हम यहाँ पे द के यूजेज को पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आर्टिकल द को कैसे यूज किया जाता है। वैसे तो हम सबको पता है कि द को पर्टिकुलर थिंग्स, पर्सन या ऑलरेडी मेंशन्ड और वेल नोन के साथ यूज किया जाता है, राइट? तो पहला रूल क्या बनता है, वैन वी स्पीक ऑफ ए पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मैंशनड और वेल नोन टू अस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द को यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी, आई हैव सीन द हाउस बिल्ट बाई यू, मैंने वो घर देखा जो कि आपने बनाया था, तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल क्या यूज किया है, द। हाउस तो अदरवाइज कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ वो घर जो आपने बनाया तो ये पर्टिकुलर घर बना, इसीलिए जो है यहाँ पे द आर्टिकल को यूज़ किया गया है। तो आप लोग क्या याद रखोगे, कोई भी पर्टिकुलर यानी खास, पर्सन, थिंग या जो ऑलरेडी मेंशन किया गया होगा या हमें बहुत अच्छे से पता होगा तो वहाँ पे हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। सेकेंड वाला रूल जो इसके लिए है वो है, जब एक सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव को यूज किया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को यूज किया जाता है होल क्लास के लिए, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल द को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लाइन इज द किंग अमंग वाइल्ड एनिमल्स, द लाइन इज द किंग, हम लाइन जो है तो ये क्या है,
सिंगुलर नाउन और होल क्लास यहाँ पे क्या है, वाइल्ड एनिमल्स, बट हम इसके साथ जो यूज़ कर रहे हैं वो आर्टिकल द कर रहे हैं, इसके साथ हम आर्टिकल द लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है यहाँ पे स्टैंड होता है फॉर होल क्लास। नेक्स्ट रूल जो है वो है, हम द को यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स के आगे, बिफोर द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये चूँकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो इम्पोर्टेंट था तो इसीलिए यहाँ पे द फ्रेंच रेवोल्यूशन यूज़ किया जाता, आर्टिकल द आता है यहाँ पे, राइट। और नेम ऑफ नेशन हो, कम्युनिटी हो या क्लास ऑफ पीपल है, उसके आगे भी हम आर्टिकल द को ही लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू, द मुस्लिम, द सिख्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और एक रूल जो इसका है वो है, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज इट टू इंडिकेट एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, एडजेक्टिव से पहले जो कि यूज़ किया जाए कि वो दिखाए, इंडिकेट करे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को ही, राइट। एडजेक्टिव हो और यूज़ किया जाए किस लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी शुड लव द ब्यूटी, वी शुड लव द ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल क्या है यहाँ पे, ब्यूटिफुल, हाँ तो ये इट्स एन एडजेक्टिव, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, तो यहाँ पे द ब्यूटिफुल यूज किया गया है। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस व्हिच सच, व्हेन सच नाउन्स आर प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशंस, टू, इन, ऑन, एट। तो कहने का मतलब ये है, नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, तो हमारे पास चार डायरेक्शंस के नाम आते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब भी आप देखोगे इन चार डायरेक्शंस का नाम कहीं पे भी यूज़ किया गया है, या ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ, इस तरह की डायरेक्शन को यूज़ किया गया है और नाउन जो है वो प्रोसीड हो रहा है, ऐसे नाउन से पहले जो है प्रीपोजिशन लगाया गया है, टू, इन, ऑन, एट, तो बीच में जो है आप लगाओगे आर्टिकल द। हमेशा डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें और भी रूल्स है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ प्लेसेस ऐसी आती हैं जहाँ पे हम द को यूज़ नहीं करते हैं, हालांकि वो होते तो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन होता है, बट उसके बावजूद भी हम द को यूज़ नहीं करते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, देखो कहाँ कहाँ पे हम आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते। जैसे हमारे पास नेम्स ऑफ टाउन्स होंगे, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता, इनके आगे हम द नहीं लगाते हैं, इनको ओमिट किया जाता है। नेम ऑफ कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऐसी कंट्रीज, राइट, वहाँ पे भी हम द यूज़ नहीं करते हैं। शायद आप यहाँ पे एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाए कि किसी किसी कंट्री के साथ द यूज़ किया जाता है, तो वो कंट्री जो है वहाँ पे या तो उसको एब्रिवेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिया जाता होगा, इसीलिए वहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर उस प्लेस की पर्टिकुलर हिस्ट्री रही होंगी, वहाँ पे द को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही नेम ऑफ पर्सन्स, जैसे नेहरू, टॉम, हैरी, यहाँ पे द यूज़ नहीं किया जाता है, ओमिट किया जाता है। माउंटेन पीक्स, माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, इस तरह की जगहों पे भी द को आप ओमिट कर सकते हैं। नेम ऑफ स्ट्रीट्स या नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, जैसे द संडे आप नहीं बोलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से बोलेंगे। नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, द जनवरी आप नहीं बोलेंगे, आप वहाँ पे ओमेंट करेंगे। या मटेरियल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लीड, कॉपर, ब्रास, राइस, व्हीट, मटेरियल्स के लिए भी आप लोग कभी भी द को यूज़ नहीं करेंगे। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, ट्रूथ इज बेटर,
के 800 साइंसेस के लिए भी को यूज़ नहीं किया जाता. आई लाइक टू स्टडी फिजिक्स, ऐसा नहीं कहा जाता कि आई लाइक टू स्टडी द फिजिक्स. नो, आई लाइक टू स्टडी फिजिक्स. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट मान लो ये है, वो है ज़ीरो आर्टिकल. ज़ीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल. ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं, उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, राइट. ऐसे नाम्स जो है वो नीचे दिए गए हैं, जैसे चर्च है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, प्रिजन है, यूनिवर्सिटी है. आप इन सारे नाम्स में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, वी गो टू चर्च, ऐसा नहीं बोला जाता है वी गो टू द चर्च, वी गो टू द हॉस्पिटल. नो, क्या बोला जाता है? वी गो टू चर्च, हॉस्पिटल, वी गो टू स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, यूनिवर्सिटी. या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सलोमी हु इज़ 5 गोज़ टू स्कूल बाय बस. ऐसा नहीं बोला मैंने सलोमी हु इज़ 5 गोज़ टू द स्कूल बाय बस, बल्कि क्या बोला? सलोमी हु इज़ 5 गोज़ टू स्कूल बाय बस, राइट. तो ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो कि कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं, जिसे ज़ीरो आर्टिकल कहा जाता है. इसके बाद जो है हमने एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें तीनों चीज़ें कवर हो रही है, इवन ज़ीरो आर्टिकल भी. तो आप इस एक्सरसाइज को खुद से करके देखोगे कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं, आपको कितना समझ आया है. वैसे तो मैंने सारे कंसेप्ट्स कवर करने की कोशिश की है, तो इस एक्सरसाइज से आप पता लगा पाएंगे कि आपको कितना समझ आया है. एक्सरसाइज को करने के बाद मैंने आंसर्स भी दिए हैं यहाँ पे, सो दैट आप इन आंसर्स को क्लियरिफाई करके, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके कल को एग्ज़ाम में अच्छे से आर्टिकल्स को अटेम्प्ट करके आओ. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट.